कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 11 अध्याय 11 अनिश्चित समाकल इंटीग्रेशन से क्यू एक्स डी एक्स इसका क्या मान ज्ञात करो। माना कि क्या आई इक्वल टू क्या सेक क्यू एक्स डी एक्स, इसी को आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या लिख ले सेक इंटू सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसमें भी हम क्या करें, एक को प्रथम फलन मान ले और एक को द्वितीय फलन मान ले, कुछ इस प्रकार से, क्योंकि दो फंक्शन का यदि क्या हो इंटीग्रेशन हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं। मान लो ये फर्स्ट है, मान लो कि ये फर्स्ट है और ये कौन सा, तो हम इसको क्या लिखते हैं u तो ज्यो का त्यों रहेगा इंटीग्रेशन क्या वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन क्या पहला जो फंक्शन होगा उसका अवकलन इंटीग्रेशन वी डी एक्स और पुनः इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। मान लो कि हम सेक एक्स को पहला और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को दूसरा फलन मान लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में I इक्वल टू क्या होगा यू मतलब पहला फंक्शन, तो क्या सेक एक्स इंटीग्रेशन वी मतलब क्या सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स किसका सेक एक्स का इंटीग्रेशन किसका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स फिर पूरे का इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा आई इक्वल टू सेक एक्स तो यथावत सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स का क्या होगा सेक एक्स टेन एक्स, इसका टेन एक्स क्या डी एक्स टेन एक्स टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट कर देंगे काहे में टेन स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से, टेन स्क्वायर एक्स मीन्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, इसका मल्टीपल कर देंगे आई इक्वल टू क्या लिखेंगे अब हम आई इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का सेक स्क्वायर एक्स में मल्टीपल हो गया तो क्या आ जाएगा सेक क्यूब एक्स, सेक एक्स का माइनस वन में मल्टीपल हो जाएगा तो क्या जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। अब यदि हम क्वेश्चन को फर्स्ट इक्वेशन कहें और इसको यदि हम सेकंड इक्वेशन कहें तो हम पाते कि ये और ये तो बिल्कुल इक्वल है, इसका मतलब है इसकी जगह पर हम I लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं I इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस क्या I प्लस सेक एक्स डी एक्स का जब हम क्या करें इंटीग्रेशन तो क्या आता वो लॉग ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस 10x और हम लिख देंगे प्लस c। अब ये i इधर जाएगा तो i प्लस i ये हो जाएगा 2i इक्वल टू sec x इंटू 10x प्लस log ब्रैकेट में sec x प्लस 10x प्लस c, 2 से डिवाइड हम इसको कर रहे हैं तो मान लो C को हम ना करते हुए इन दो पदों को ही हम 2 से कर दें, C को भी कर सकते हैं तो 1 बाय 2 ब्रैकेट के अंदर क्या sec x इंटू टेन एक्स क्या प्लस log ब्रैकेट में क्या sec x प्लस टेन एक्स। अब ये आपकी मर्जी है कि C के बटे में 2 लिख रहे हैं या
डायरेक्ट आप सी को लिख दे रहे हैं। उम्मीद है ये आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल, धन्यवाद।